दोस्तों वीडियो में कवर करने वाले सुजलोन एनर्जी शेयर को, जैसा कि दोस्तों आप देखोगे मार्केट में भी के टाइम बहुत बड़ी गिरावट है। जैसा कि गिरावट का आपको पता ही है कि गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, गिरावट के भी के टाइम पांच कारण है गिरावट के यहाँ पे। एंड मार्केट में दोस्तों ये गिरावट यहाँ पे, जैसा कि आप देखोगे गिरावट कोई छोटे मोटे नहीं है। मार्केट में भाई 15 लाख करोड़ रुपये आज डूब चुके हैं। एंड इस बीच अगर हम बात करें तो सुजलोन एनर्जी भाई यहाँ पे फ्राइडे को गिरावट थी, उसमें सर्किट मारा था वो, आज अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम लगभग लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। तो क्या आगे यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए, क्या सुजलोन में प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्या अभी के टाइम बने रहे हैं दोस्तों? अभी के टाइम सुजलोन एनर्जी को लेकर 24 ब्लॉकिंग की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। मतलब यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कुछ लेवल दिए हैं, आगे की ग्रोथ के बारे में भी कुछ बताया है। तो आगे जाके हमें सुजलोन के अंदर अगर 72 का लेवल ब्रेक होता है तो 80 रुपये के टारगेट यहाँ से कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों सुजलोन एनर्जी के अंदर हाल ही में जिस प्रकार बाउंस बना है, रिटेल ने स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, मतलब यहाँ पे बहुत तगड़ा जो इंटरेस्ट रिटेल ने दिखाया है। एंड कई लोगों का पैसा भी यहाँ पे 70 रुपये प्लस या 70 रुपये के लेवल के आसपास लगा हुआ है। तो उन लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि यहाँ से देखो स्टॉक में स्ट्रेंथ, बट जब पूरा मार्केट गिरता है तो भाई डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक में भी हमें वॉलिटिलिटी नजर आएगी। एंड वो अभी के टाइम आप देख सकते हो आपको देखने को मिल रही है। एंड बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट की, तो आज मार्केट में आप देख लो भाई मार्केट 24,000 के नीचे हमें खुलता हुआ नजर आया है, जिसके आसपास अभी के टाइम हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट की गिरावट के पीछे बता दूं मैं, एक तो है दोस्तों जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ठीक है, दूसरा अमेरिका से मंदी की आशंका आना, मतलब यहाँ पे अमेरिका में मंदी आ सकती है। एंड जो PMI के आंकड़े हैं वो थोड़े से अमेरिका के नेगेटिव है, मतलब कंपनियों के जो रिजल्ट वगैरह रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव थे अमेरिका के, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा मतलब थोड़ी वॉलेटिलिटी वाले रिजल्ट रहे हैं, मतलब ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये अभी के टाइम हालात बने हुए हैं। दूसरा दोस्तों अभी के टाइम तीसरा सबसे बड़ा कारण है इसराइल ईरान के बीच का युद्ध छिड़ना, मतलब यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि युद्ध उनके बीच होने वाला है या हो गया होगा या छिड़ रहा होगा, ठीक है। इसके बीच अभी के टाइम ये अपडेट आई है, तो इन कुछ अपडेट्स की वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट बुरी तरह से फिसलता हुआ देखने को मिला। अब देखो मार्केट इतना नहीं गिरना था, बट इतना क्यों गिरा, क्योंकि मार्केट में आगे जाने के लिए भी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि मार्केट भाई ऊपर जाए। जैसा कि पहले तो भाई बजट था, बजट को लेकर मार्केट ने एक होप बनाया हुआ था कि चलो बजट अच्छा रहेगा तो आगे स्ट्रेंथ दिखेगी। एंड तो बड़े प्लेयर में ये भी पहले आशंका थी कि 25,000 के पास आसपास मार्केट जाके प्रॉफिट बुकिंग एक बार डेफिनेटली दिखाएगा, एंड बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो अब आगे दोस्तों क्या हमारा मार्केट भी यहाँ पे मंदी की तरफ जाएगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। आज दोस्तों बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है, ऑलमोस्ट भाई 20 करोड़ शेयर में यहाँ 20-21 करोड़ के शेयर वॉल्यूम में देखने को मिले। लोगों ने दबा के शेयर बेचे हैं भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1428 करोड़ के ये शेयर थे, इसमें से भाई 42% शेयर में उठते हुए नजर आए। भाई FI के लिए आज बहुत तगड़ा सा जो रास्ता है साफ होता हुआ नजर आया, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरा लोगों ने भाई धड़ाधड़ बेचा एंड उन्होंने शेयर खरीदा। अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, गिरते हुए मार्केट के अंदर यहाँ से अगर आप देखेंगे 42% की डिलीवरी का आने का मतलब है कि 20 करोड़ शेयरों में से कम दोस्तों करंटली यहाँ पे 9-10 करोड़ की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 600-700 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिल चुका है सुजलोन एनर्जी के अंदर। एंड भाई अगर मैं बताऊँ दिखाई इंट्राडे चार्ट में, तो भाई लगभग हमें स्टॉक लोअर सर्किट के आसपास देखने को मिल रहा है, मान के चल सकते हो कि लोअर सर्किट अभी के टाइम लगा हुआ। अब हम बात करते हैं 24 ब्लॉकिंग की तरफ से कि हमें करना क्या है यहाँ से। देखिए स्टॉक ने मॉर्निंग के अंदर स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई, डेफिनेटली नेगेटिव खुला, नेगेटिव गया, बट भाई जो मॉर्निंग था उसमें जो मोमेंटम था वो बनता हुआ नजर आया। हड़कंप के बीच एनएस एनर्जी शेयर ने रचा इतिहास, खरीदने की लूट में 71 रुपये पर हमें आता हुआ देखने को मिला था मॉर्निंग के अंदर। देखिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी और विदेशी पूंजीगत की निकासी, मतलब FI के द्वारा सेलिंग की बड़ा जो प्रेशर वो बनता हुआ नजर आया। इस बीच आप देखोगे तो सोमवार को शुरुआती कारोबार में शेयरों में बड़ा यहाँ पे जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली, बड़ी गिरावट नजर आई। एंड जो हमारा इंडेक्स सूचकांक था वो भी गिरा, एंड निफ्टी में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली। इस बीच सोमवार को सुबह के सेशन में सुजलोन एनर्जी के शेयरों ने जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बीएसई में सुजलोन एनर्जी के शेयरों के भाई 71-75 के आज के इंट्राडे हाई थे, एंड बाउंड वीक के जो हाई थे वो हमें आज नए क्रिएट होते हुए नजर आए। अब आगे की स्ट्रेंथ आप देखो, देखिए सुजलोन एनर्जी के शेयरों के आउटलुक पर 24 ब्लॉकिंग के कार्यकर जो सुमित बगाड़े हैं, उन्होंने कहा कि सुजलोन का तकनीकी चार्ट अभी के टाइम ब्रेकआउट देने के कगार पे खड़ा हुआ है। सुजलोन का शेयर प्राइस आज 72 रुपये के शेयर पर था, एंड नया ब्रेकआउट होने के फिलहाल विफल रहा है, लेकिन स्टॉक को निचले स्तरों पर समर्थन मिल रहा है, मतलब बॉटम पे स्टॉक में हमें जो वैल्यू बाइंग है वो देखने को मिल रही है। एंड लेकिन स्टॉक को निचले स्तरों पर समर्थन मिल रहा है जो सराहनीय, मतलब जो कि अच्छा है, इसलिए सुजलोन के शेयरधारकों को यहाँ पे सलाह दी जाती है कि वो 65 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 72 रुपये के ब्रेकआउट की आशा करें। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता तो 80 रुपये के टारगेट के साथ हमें यहाँ पे रुक सकते हैं। एंड नए निवेशकों को सुझाव पर सुमित बगाड़े ने कहा कि नए निवेशक मौजूदा स्तर पर सुजलोन के शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं, एंड स्टॉक हमें 60 रुपये से ऊपर तक खरीदारी पर गिरावट बनाए रख सकते हैं। ताज़ा निवेश के बाद स्टॉक में अल्पावधि में 80 रुपये के स्तर को भी छू सकता है। मेरी बात सुनो, जैसे कि मंदी के लिए बोला गया कि अमेरिका में मंदी आएगी, भाई मान के चलो मंदी आती है तो क्या गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस बंद कर देगी? क्या लोग भाई बिजली का उपयोग करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना भाई। तो वो सारी चीज़ें आप समझो, हमेशा देखना जब कोरोना का टाइम आया था उस समय भी कुछ ना कुछ सेक्टर चले थे, जैसा कि आपका यहाँ पे फार्मा सेक्टर था, वो तब भाई कम से कम बहुत तगड़ा चला, जो 2-2 रुपये के स्टॉक थे वो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे कम से कम भाई 400-400 के देखने को मिले थे, मतलब इतना तगड़ा चला था। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के टाइम जो गिरावट हो रही है कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी जो लोग सुजलोन में खरीदारी करने की सोच रहे थे। अगर स्टॉक आराम से 65 के नीचे मिलता है तगड़ी बाइंग बनेगी, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पे। एंड अभी के टाइम डिलीवरी के हिसाब से आप खुद समझ सकते हो कि भाई इस गिरावट में मार्केट के 16 लाख करोड़ रुपए आज इस गिरावट में स्वा हो चुके हैं। इस गिरावट में ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर 700 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट ना बहुत बड़ी बात है। इसमें रिटेल का योगदान है, बट रिटेल का योगदान इतना नहीं कि रिटेल 700 करोड़ का इस वॉलिटिलिटी में पैसा लगाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिटेल ग्रीन जोन में कभी पैसा नहीं।
देखिए आज दोस्तों मार्केट का इतना बुरा हाल है कि गधे घोड़े सब बराबर है मार्केट के लिए। आज सबको यहाँ पे मार्केट ने तोड़ के रख दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप घोड़े पे पैसा लगाते हो चाहे गधे पे लगाते हो, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अभी के टाइम आपको सभी एक ही भाव में मिलेंगे, मतलब सभी गिरावट में मिल रहे हैं, सभी सस्ते मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक अच्छे शेयर में पैसा लगाना है एंड गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आती है। करंट टाइम के स्लोअर सेल की वजह से 70 के नीचे स्टॉक RSI आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये RSI वापस से 60-55 के आसपास आता है तो अगेन मूवमेंट बनने की फुल चांसेस यहाँ पे रहेंगे। एंड अभी के टाइम अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा कि बताया मैंने 65 रुपये का बनेगा, 65 के ऊपर ऊपर से यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट की थोड़ी मार्केट भी हमें गिरावट थोड़ी कम करता हुआ नजर आएगा, सेलिंग प्रेशर कम होगा, उसके बाद थोड़ी बहुत हमें यहाँ से रिवर्सल दिखेगा। अभी के टाइम बड़ी वॉल्यूम आ रही है। आज देखो जिन लोगों ने भाई पहले रुके हुए थे ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, आज सब बेच के निकल चुके हैं। एक दिन ऐसी गिरावट आना अपडेट आना लोगों के लिए बहुत तगड़ा झटका रहता है, जो कि आज ने लोगों ने खाया है, लोग सेल भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम जो वेट करेगा आगे अगले टारगेट के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के प्रेशर थोड़े से नेगेटिव है। बट लॉन्ग टर्म वालों को तो थोड़ा गिरावट में बाई करना चाहिए, क्योंकि भाई गिरावट आपके लिए फॉर्चुनेट है, गिरावट मौके के तौर पे लो। एंड लॉन्ग टर्म वालों को 1% भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ओवरऑल जाना स्टॉक को ऊपर।